ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण अडानी फाउंडेशन द्वारा हरली प्लस टू उच्च विद्यालय में आयोजित मैराथन दौड़ प्रतियोगिता को स्थगित करना पड़ा। स्कूल में इस कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी मिलते ही गोंदलपुरा, गाली, बल्लोदर आदि गांव के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उन्होंने इसे लेकर भारी विरोध जताया, जिस वजह से कंपनी को इस मैराथन दौड़ कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक जफरुल इस्लाम ने कहा कि जिले के वरीय अधिकारियों ने दूरभाष पर उन्हें इस मैराथन दौड़ को स्कूल में आयोजित कराने का आदेश दिया था। खबरें हजारीबाग के लिए बड़कागांव संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। पानी वाला हम थोड़े हैं, ऐसे बोल रहे हैं आप लोग तो यहाँ पहले हम लोग तो पहले आते हैं, आने की बात नहीं है। ठीक है कंपनी हम इसलिए आए हैं कंपनी वाला तुम्हारा हो, किसी में आपस में झगड़ा ना करो, तुम विरोध करो, तुम अपना विरोध करने तुम्हारा अधिकार है, तुम विरोध कर सकते हो, और हमसे उलझने का तुम्हारा अधिकार है, हमसे उलझोगे ये तो स्कूल है, स्कूल में होल हंगामा अच्छा नहीं है, तो पहले तो प्रशासन आया, डीसी मैडम आज जब भेजी यहाँ डीसी मैडम, क्यों हम बता रहे हैं कि हाँ। तुम पूछा क्यों आदेश दिया आने के यहाँ पे प्रोग्राम कराने का, प्रोग्राम करवाने का वीडियो साहब है, डीसी मैडम है, उन लोगों से पूछो कौन आदेश दिया, काम है जो अपना क्या हमारा, मेरा काम है विधि व्यवस्था के लिए हम आए हैं, नगम कंपनी के लिए आए हैं। डीसी मैडम क्या बोलेगी, इसको में क्या होल हंगामा करना है, हमको बोलेगी डीसी मैडम तुमने पूछा क्या आदेश कौन दिया, हम तो पीछे ना आए, हम लोग पहले जाओ, पूछो करना है तुम कर सकते हो, स्वतंत्र हो, तुमको कोई रोक नहीं है, ठीक है, जो तुमको करना है तुम स्वतंत्र है, जाओ प्रशासन के साथ नहीं कुछ नहीं कीजिए, हम बोलते हैं पैसा ना खेता, रोटी खेता, चावल खेता, गेहूँ खेता, गन्ना खेता, सब खेता, यही सब पैसा सुन लो, अगर पूरा जाता है सब कुछ होता है, पैसा नहीं खाता है, अन्न खाता, गुड़ खाता, चावल खाता है, मैराथन के लोग डीओ कार्यालय पहुंचे और हमारे पास कॉन्टेक्ट फोन के द्वारा हुआ और आदेश उन्होंने डीओ मांगे और दिए भी कि हम देते हैं आदेश से, आप थोड़ा सा उनको जगह दे दीजिए, विद्यालय का बच्चों का पढ़ाई लिखाई बाधित ना हो, तो ऐसी सूरत में हमारे यहाँ विद्यालय का पढ़ाई लिखाई जारी है, कोई बाधित नहीं है और उन लोगों की एक जगह दे दी गई है, जिसमें हल्ला हंगामा लोगों ने किया और हमने आदेश दे दिया कि खाली कीजिए। सर जो हल्ला हंगामा हुआ उससे विद्यालय परिसर में जो बच्चों की पढ़ाई हो रही थी कोई उस पर असर नहीं पड़ा है, क्योंकि हम लोग बहुत संचालन अच्छे ढंग से कर रहे हैं और विद्यालय में किसी तरह के कोई गड़बड़ी नहीं। अच्छा, इसी बताइएगा सर, हाँ
कभी भी कुछ कार्यक्रम होता है विद्यालय प्रबंधन समिति से बैठक करके आप निर्णय लेते हैं, क्या इस संबंध में आप विद्यालय प्रबंधन समिति से बात किया, बैठक हुआ था? रातों रात ये सूचना मिली, इसलिए फिर बैठक कराने का समय नहीं मिला और दूसरे दिन ये कार्यक्रम रखा गया। मतलब आपको इस मतलब कार्यक्रम के पूर्व सूचना नहीं था? कार्यक्रम से पहले सूचना सिर्फ सूचना कब मिली आपको, क्या कब मिली? चार घंटा पहले मिली है। चार घंटा पहले शाम में मिली? कल शाम में। कल शाम में? कल कितने बजे शाम को? कल करीब 4:30-5 बज रहा। साढ़े चार। क्या आप अध्यक्ष से बात किए इस संबंध में? नहीं, इस संबंध में डायरेक्ट हुई और हम बहुत सारे काम में लगे। 4:30 बजे के बाद तो आप अध्यक्ष से बात कर सकते थे सर, आप क्या बात किए? जाने के बाद हमारा विद्यालय से यहाँ से जाने के बाद डीओ से मेरी बात हुई। तो आपसे कभी अध्यक्ष से फोन से बात होता है कि नहीं? बहुत कम होता है, कभी खेती में लगी रहती हैं तो इसलिए नहीं हो पाती है बात। अगर जो अभी हो हंगामा हुआ था, अगर उस दौरान अगर बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती तो आप क्या करते हैं? हमारे नज़रों में तो वो हंगामा हुआ है उस तरफ हुआ है, हमारे बच्चों की तरफ कोई असर नहीं है। लेकिन देखिए स्कूल परिसर में होता तो मतलब आप जैसे ये जो आज कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे, इसका पूरा पूरा जिम्मेवारी आप किस पर डालते हैं कि किसके आदेश पर ये कार्यक्रम यहाँ पे करवाया गया? देखिए करवाया गया आदेश तो डीओ का कार्यालय के आदेश मिला। तो डीओ कार्यालय के आदेश से मिला ये कार्यक्रम? आपकी अपनी मर्जी नहीं है? नहीं, हमारी मर्जी। यह आदेश सर लिखित था या मौखिक? लिखित नहीं, मौखिक बोला गया। तो क्या इस समय मौखिक ही दूरभाष पर आप बात किए थे अध्यक्ष से? नहीं, मौखिक में अध्यक्ष से बात नहीं हुई, समय नहीं मिला। शाम में आपके पास समय तो बहुत।